Afternoon to all. Exercise 6.2, question number 2. This is in a part of second that we should find. We now find pythagorean template of 14. So that first we just write to here solution. सोल्यूशन के बाद मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना है थ्री पार्ट्स पे. पहले मुझे 2m और सेकेंड मुझे m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड पार्ट पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ m स्क्वायर प्लस 1 के अंडर में हम फाइंड करेंगे. अब मुझे करना क्या है, फर्स्ट टू फॉर्म पाइथागोरियन ट्रैपलेट So step 1, if we take m square minus 1 equals to 6, इस प्रोसेस में हमें ये चेक करना होता है कि ये कोई इंटीजर तो नहीं है, इसका जो वैल्यू है m की इंटीजर तो नहीं है. तो m square minus 1 equals to 6, so m square equals to 6 plus 1, सॉरी मुझे यहाँ 14 होगा. मेरे पास नंबर क्या है, वन नंबर इज 14, सो दैट 14 प्लस 1 इक्वल्स टू 15. तो एम स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास 15. नेक्स्ट में इफ वी टेक एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 14, देन एम स्क्वायर इक्वल्स टू 14 माइनस 1 इक्वल्स टू 13. तो यहाँ भी एम स्क्वायर की वैल्यू 13 है और बोथ आर नॉट इंटीजर. Here m is not an integer. तो integer नहीं है. So अब हम step second use करते हैं और value find करते हैं. तो first process में मेरे को find out करना है values 2m. तो 2m में मेरे को 2m equals to करना है क्या 14. और m की value m equals to 14 upon 2 that is the 7. सो m की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 7. अब हम सेकेंड पॉइंट लेते हैं m स्क्वायर माइनस 1. तो m की प्लेस पे हम लगाएंगे 7. तो 7 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 7, 7 जो 49 माइनस 1 इक्वल्स टू 48. तो यहाँ m की वैल्यू आ जाती है मेरे पास, तो m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू आती है यहाँ 48. तो 48 मेरे पास सेकेंड नंबर हो गया. और थर्ड पार्ट में मुझे करना है यहाँ एम स्क्वायर प्लस 1. तो m की प्लेस पर मैं लूँगी यहाँ 7, 7 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 49 प्लस 1 इक्वल्स टू 50. दूसरा नंबर आ जाता है 50. अब मैं एज अ रिजल्ट सो पाइथागोरियन ट्रैपलेट इज क्या हो जाएगी, एक नंबर तो 14 गिवन है और दूसरा नंबर है 48 और तीसरा नंबर है 50. तो ये इस सीरीज का आंसर है. ओके, तो यू जस्ट डू दिस वन इन योर नॉट कंप्लीट क्वेश्चन.